नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने ओशो जैन कार्ड के विषय में थोड़ी सी बेसिक बातों को जाना, हमने उसकी हिस्ट्री को जाना, उसके क्रिएशन को जाना। आज हम उसी कड़ी में उससे आगे की बात हम करेंगे। आज हम बात करेंगे ओशो जैन डेक की डिवीज़न को। तो दोस्तों, यहाँ भी ट्रेडिशनल टैरो डेक की तरह ही 79 कार्ड्स को पहले आचार्य ओशो ने दो भागों में डिवाइड किया है, जैसा कि हम पहले ट्रेडिशनल टैरो डेक में जाने थे। मेजर अरकाना और माइनर, ये रहे मेजर अरकाना और ये माइनर अरकाना के चारों सूट हैं। लेकिन यहाँ मेजर अरकाना में टोटल 23 कार्ड हैं। यहाँ भी जीरो यानी फुल से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीशन तक हम जाते हैं, जैसा कि हम पिछले ट्रेडिशनल डेक में द फुल से स्टार्ट करके और द वर्ल्ड के कार्ड तक हम जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिशनल टैरो डेक को हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हैं। मैरिज, रिलेशनशिप, मनी, कैरियर इत्यादि को हम वहाँ जानते हैं, लेकिन ओशो जैन कार्ड से ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कार्ड रीड करने वाले को उसके परसेप्शन को इन्हेंस करती है और प्रेजेंट को समझने में, क्योंकि यह कार्ड जो बेस्ड है वो इनलाइटमेंट ऑफ जैन पे आधारित है। क्योंकि ओशो ने कार्ड की डिजाइन जो की है वो इनलाइटमेंट सो मेडिटेशन पर डिज़ाइन है। कार्ड की जो आर्ट है वो ब्रिलियंट पीस ऑफ आर्ट है ओशो की। इसलिए दोस्तों, अगर आप ओशो जैन कार्ड को समझना चाहते हैं उन्हें अच्छे से, तो बुद्ध और ओशो के विचारों को जानना शुरू करें, तब आपको इस डेक को समझना और भी सरल और सहज हो जाएगा। क्योंकि पूरी डेक जो है वो हमें खुद को समझने में मदद करती है और हमें पूरे डेक की एक एक कार्ड हमें इनलाइटन करती है, जो हमारे प्रेजेंट के परसेप्शन को क्लियर करती है और हम खुद के मास्टर बनने की सीख देती है। इसलिए दोस्तों, मेजर अरकाना के लास्ट का जो कार्ड है वो मास्टर कार्ड है, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की तस्वीर दिखाई है। उनके खुद की तस्वीर दिखाने का मतलब ही है कि जब हम खुद को समझ लेते हैं, अपने अंदर हो रहे बदलाव को समझ लेते हैं और इनलाइटन होते हैं, तब हम अपने खुद के मास्टर हो जाते हैं। अब हम जानते हैं मेजर अरकाना के कार्ड के उन 23 कार्ड को। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो भी उसी ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पे नाम जो है वो बिल्कुल चेंज है। फूल को इन्होंने भी फूल ही बताया है। मैजिशियन को उन्होंने एग्जिस्टेंस कहा, हाई प्रिस्टर्स को इनर वॉइस, इम्प्रेस को क्रिएटिविटी का नाम दिया, इम्प्रेस को रिबल बताया है, हीरोपेंट को नो थिंगनेस का नाम दिया, लवर को लवर ही कहा, चैरियट को अवेयरनेस बताया और स्ट्रेंथ को करेज का नाम दिया, हर्मिट को एलोननेस का नाम दिया, विल ऑफ फॉर्चून को चेंज कहा, जस्टिस को ब्रेक थ्रो, हैंगमैन को न्यू विजन, डेथ को ट्रांसफॉर्मेशन और टेम्परेंस को इंटीग्रेशन बताया है। डेविल को उन्होंने कंडीशनिंग नाम दिया है, टावर को थंडरबोल्ट, स्टार को साइलेंस, मून को पास्ट लाइफ, सन को इनोसेंस, जजमेंट को बियॉन्ड्स इल्यूजन और द वर्ल्ड को कंप्लीशन बताया है। इसके बाद लास्ट कार्ड जो हम मास्टर की बात कर रहे हैं, मास्टर कार्ड की, ये रहे मास्टर कार्ड।
दोस्तों इस तरह हम मेजर अरकाना के 23 कार्ड को जाने। अब हम इसके बाद जानेंगे माइनर अरकाना के कार्ड के। यहाँ भी ट्रेडिशनल डेक की तरह ही 4 सूट हैं, पर यहाँ पर कोई कप्स, पेंटिकल्स या वेंट्स वाले इमेजेस नहीं हैं। यहाँ पे 4 सूट को अलग अलग कलर में छोटे छोटे डायमंड के रूप में दिखाए गए हैं। वाटर सूट को उन्होंने ब्लू कलर के डायमंड से दिखाया गया है। ये कार्ड हमारे इमोशन और इंट्रोवर्ट नेचर को रिप्रेजेंट करती है। क्लाउड सूट को उन्होंने ग्रे कलर के डायमंड से दिखाया, जो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करती है। और फायर के कार्ड को उन्होंने जो दिखाया, ये रेड कलर के डायमंड से दिखाया है। और जो फायर वाले कार्ड हैं वो हमारे इंट्यूटिव एंड आउटलुकिंग एक्शन को इंडिकेट करती है। और फोर्थ जो रेनबो सूट जो है वो रिप्रेजेंट करती है अपीयरेंस ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड को। इस तरीके से दोस्तों आज हम ओशो जैन कार्ड के डिवीज़न को बहुत अच्छी तरह से जान गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझ चुके होंगे और जान गए होंगे कि किस प्रकार उन्होंने भी ट्रेडिशनल डेक की तरह ही पूरे 79 कार्ड्स को 5 भागों में ही डिवाइड किया है। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं इससे आगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।